हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। आज मैं बनाऊंगी अंडा कढ़ी। तो मैंने यहाँ पर जो है चार अंडे जो है बॉईल करके रखे हुए हैं, और इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और यहाँ पर कुछ टमाटर लिए हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर जो है तेल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम पहले। तो जब तक ये तेल गर्म होता है, हम यहाँ पर अंडों को जो है पील कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडों को यहाँ पे पील कर लिया और यहाँ पे मैंने कुछ हल्के से कुछ कट मार दिया, और यहाँ मेरा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इनको अंडों को यहाँ पर पहले डाल दूँगी, पहले इनको मैं फ्राई करूँगी। पहले आप इन्हें अंडों को फ्राई कर दीजिए। अंडे देखिए मेरे इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब आप एक एक करके अंडों को इस तरह से निकाल दीजिए। जो आपने प्याज डाल रखे, इसमें प्याज डाल, प्याज को आप अंदर से पहले ब्राउन होने दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे जो प्याज हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी। टमाटर का मतलब जो है अभी थोड़ा सा अभी आप इसे गलने दीजिए। अच्छी जो प्यूरी बन जाएगी तो फिर प्यूरी जो बनेगी उसी से हमारा बहुत अच्छी सब्जी बनती है। पहले आप इसको अच्छे से मतलब जो है गला दीजिए। टमाटर का जो है छिलका वगैरह जो है बिल्कुल गल जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर जो है मेरे भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। हाँ, मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें कुछ मसाले, कुछ गरम मसाला, कुछ लाल मसाला, कसूरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो ये मसाले डालने के बाद ये ग्रेवी जो है थोड़ी और सॉफ्ट बन जाएगी और अच्छी बन जाएगी। आप हल्का सा इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। ग्रेवी जो है मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें जो अंडे डाले थे, जो फ्राई करे थे, मैं उसमें अंडे ये हल्के से ये डाल दूँगी और ग्रेवी इन पर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी। आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। आपको ये देखिए आप किसके साथ खाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको ग्रेवी जो है उस हिसाब से बनानी है। अगर आपको चावल के साथ खानी है तो आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए, और अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो आप थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लीजिए। अब इसमें आप थोड़ा सा बबल आने दीजिए। तो बबल आने तक का वेट करते हैं, अदरवाइज ये मतलब सब्जी जो है रेडी होने की वाली है। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसे लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये अंडा जो है मेरा ये बन के रेडी हो चुकी है अंडा कढ़ी। तो आप भी इसको इस तरह से बनाइए, क्योंकि आमलेट और बॉयल एग खा खा के भी हम इंसान बोर हो जाते हैं। तो कुछ नई तरह से आप अंडे को इस तरह से खाइए। देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही है, तो आप भी इस तरह से इसको बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।